देखिए, नेपाल बॉर्डर पे चौकी है सशस्त्र सीमा बल 49 भी वाहिनी पीलीभीत खुजरिया। ये हमारे देश का तिरंगा है। ये देखिए, बस हम इस मूवी में इतना ही दिखा सकते हैं, बाकी सुरक्षा के हिसाब से और कुछ दिखाना मना है। अब हम आपको आगे बॉर्डर का दिखाते हैं, जहाँ नेपाल बॉर्डर है। देखिए, ये नेपाल बॉर्डर पे हम खड़े हैं और ये पिलर नंबर है 208। इसे मैं पास में करके दिखाता हूँ। ये बॉर्डर है। अब देखिए, पिलर के उस साइड में आप देखेंगे वो नेपाल है और इस साइड में आ जाते हैं ये इंडिया। ये इंडिया के हैं किसान भाई, ये खेती किसानी करते हैं और ये सब ज़मीन जो है वो इंडिया की है, यानी इंडिया और इधर नेपाल। अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा एक कदम जो है वो नेपाल में है और एक इंडिया में। और इसका देखिए पहचान ये है, ये पाया लगा हुआ है पत्थर का और इस पर पिलर नंबर 208 लिखा हुआ है। ये मैं पास में करके दिखाता हूँ, 208 उर्दू में भी लिखा हुआ है इसमें, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये उर्दू में 208 नंबर और ये इंग्लिश में 208 नंबर, यानी उस साइड में नेपाल और इधर मेरे पीछे साइड में इंडिया। ये गेहूं की फसलें हैं, आगे गन्ना दिखाई दे रहा है, ये सब नेपाली ज़मीन है, नेपाल के लोग ही ये खेती करते हैं इधर। और इस साइड में जो गन्ना दिखाई दे रहा है ये खेती सब इंडिया की है, ये इंडियन लोग खेती कर रहे हैं ये सारी। देखिए, हम नेपाल बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। ये नेपाल का बॉर्डर है और ये बैरियर लगा हुआ है। यहाँ का सारा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे लिखी है हिंदी, जो मेरे पढ़ने में नहीं आ पा रही है। ये बोर्ड लगे हुए हैं और ये बोर्ड ये लगे हुए हैं, सर हिंदी और संस्कृत को मिला के यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन अब पॉलीथीन के लिए बैन है ये बोर्ड में। देखिए, मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये लगा हुआ है पॉलीथीन, यहाँ पे भी बैन है। और ये मैं आपको इसके चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। इस समय हम नेपाल बॉर्डर पे हैं। देखिए, ये नेपाल का बोर्ड है और इसमें लिखा है कुलू बापुर 30 किलोमीटर और वेलोरी 3 किलोमीटर, ये बोर्ड है नेपाल का, यानी हम नेपाल के अंदर इस समय हैं। ये पूरा इसका व्यू है। यहाँ नेपाल की जो है भंसार पहले कटती थी, ये किन्हीं कारणों की वजह से अब यहाँ पे कोई नहीं है। ये इनका पूरा व्यू है। देखिए, ये बोर्ड है, यहाँ पे लिखा 0 किलोमीटर, यानी नेपाल के बॉर्डर पे। और यहाँ भंसार भी पहले जाती थी। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, पैम जो लिखा हुआ है देखिए, यानी बॉर्डर पे हैं तो इसमें लिख दिया है इन्होंने 0 किलोमीटर और आगे भंसार लिखी हुई है। जो भी नेपाल के अंदर एंट्री करते थे उनकी यहाँ पे पर्ची कटती थी। काफ़ी सालों के बाद हम नेपाल आए हैं, इसलिए हमें भी पूरी जानकारी नहीं है। ये चेक पोस्ट है नेपाल का, आगे वो पास से ले जा के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये नेपाल का बोर्ड है और यहाँ पहले नेपाल के जो है सुरक्षा बल रहते थे। देखिए, बोर्ड में ये नेपाल को दिखाया गया है, लेकिन शायद भंसार वगैरह बंद कर रखी है यहाँ पे अब। ये नीचे ये ताले पड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे नेपाल के सुरक्षा कर्मचारी रहते थे, यानी बॉर्डर फोर्स, अब वो नहीं है यहाँ पे, शायद आगे हों, आगे थाना पड़ेगा। देखिए, ये नेपाली मंदिर है, ये दिखाते हैं आपको पूरा इसका व्यू। नेपाल में इस टाइप के मंदिर होते हैं। देखिए, ये नेपाली मंदिर, भगवान गणेश जी की, ये देखिए फोटो लगी हुई है, ये है। देखिए, मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, पूरा मंदिर का व्यू कितना खूबसूरत है।
ये सागर नदी का पुल है, इसका ये व्यू है। ये टोटल लोहे वाले कैप्सूल वाले पुल हैं। अभी तो पानी कम चल रहा है, लेकिन जून में ये रास्ता बंद हो जाती है, यहाँ बहुत पानी चलता है। देखिए आगे सारी रेत ही रेत दिखाई दे रही है, और रेत के उस पार जंगल है, काफी दूर वहां तक यहाँ पानी पानी सारा दिखाई देता है। कितना खूबसूरत लग रहा है। गाड़ी निकल रही है इसमें, इस पे हल्का वाहन ही निकल पाता है, हैवी वाहन नहीं निकल पाता है। मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, यानी ट्राली वगैरह भी है, हल्का वजन है वो भी निकल जाएगी इस पे से। ये मोटरसाइकिल आ रही, ये नौ पड़ी हुई मछली वाली। देखिए बस आई है यहाँ पे, बस की सारी सवारियां उतर गई, ये पुल पे पैदल ही जा रहे हैं सारे लोग, पुल को पैदल पार कर रहे हैं। ये सारे पैसेंजर हैं बस के, और इधर देखिए ये बस खड़ी हुई है, सारे लोग उतर गए, बस खाली होके इसके पार होगी। भारी वाहन निकल नहीं पाता इसके ऊपर से। अब बस भी जा रही है इसके ऊपर से।